Hey everyone! Welcome to bee This is the new episode of Missing Celebrities, and today we'll 90s, talking about one of the most beautiful heroines with beautiful curls, Juhi Chawla. <laughs> तो 1967 के साल में चावला इन अम्बाला। लेटर ने बॉम्बे से कम्प्लीट किया पढ़ाई कम्पलीट करते वक्त ही जूई वन पैजेंट्स में वगैरह पार्टिसिपेट करने लगी थी अल्टीमेटली नाइनटीन के साल में जब वो जस्ट एटीन ईयर्स की होने ही वाली थी तभी जूई ने फेमिना मिस इंडिया फोर का टाइटल जीत लिया जिसके बाद मिस यूनिवर्स के भी कॉम्पिटिशन में वो गई बट शी विन दैट एंड ऑलमोस्ट हर में लड़की जो भी मिस इंडिया का टाइटल जीत जाती थी वो जीतने के बाद बॉलीवुड में डेब्यू करती ही डिड द सेम में सल्तनत करके एक मूवी आई थी जिसमें जूही चावला थी हालांकि इसमें वो लीड एक्ट्रेस नहीं थी बट वाया दिस फिल्म शी डेब्यूड इन बॉलीवुड एंड जूही की एक्टिंग से फिल्म फ्रेटर्निटी वाले काफी खुश हुए जिस वजह से कयामत से कयामत तक फिल्म भी जूही को ऑफर हुई एंड आमिर खान जूही के अपोजिट कास्ट किए गए आमिर एंड जूही की दोनों की ये पहली फिल्म थी एज लीड एक्टर्स इसके पहले भी एज चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म में आमिर काम कर चुके थे बट एज लीड कैरेक्टर यह उनका पहला फिल्म था ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट रही इसके बाद आमिर एंड जूही को साथ में और एक फिल्म के लिए कास्ट किया गया एंड दैट वॉज लव 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 पर वो फिल्म इतनी चली नहीं डेब्यू के बाद जूही ने 1990 तक कई फिल्में की पर मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म्स जूही के फ्लॉप गए एक या दो फिल्म ऐसी होगी जो हिट गई इस वजह से जूही को एज एवरेज एक्ट्रेस कैटेगराइज किया गया था नॉट बिकॉज ऑफ अर एक्टिंग बट बिकॉज ऑफ करियर ग्राफ। बट देन 1992 में जूही गॉट दैट वन ब्लॉक बस्टर फिल्म करियर और वो फिल्म था बोल राधा बोल शी वर्क विद ऋषि कपूर इन दिस फिल्म एंड ऋषि कपूर वॉज एन एस्टेब्लिश एक्टर बाई दैट टाइम ये फिल्म ब्लॉकबस्टर थी एंड यहाँ से जूही का सुपरस्टार बनने का सफर शुरू हुआ अभी वो एवरेज एक्ट्रेस नहीं थी इंस्टेंट शी वाज़ कंसीडर्ड एज एन एलेस सेलिब्रिटी बड़े बड़े एक्टर्स जैसे गोविंदा शाहरुख खान सनी डि सबके साथ कोई ना कोई फिल्म जूही डेड बट सलमान के साथ जूही काफी नाराज थी इस वजह से शी नेवर वॉन्टेड टू वर्क विद हिम तो रूमर ये था कि सलमान लव जूही चावला एंड इट इज भी है कि अपना अपना एक था, था, जो 1994 के हुआ था। पर उसकी शूटिंग ऑलमोस्ट 93 में ही शुरू हो गई थी सलमान एंड जूही 93 के पहले क्लोज फ्रेंड्स तो नहीं थे बट हाँ एक दूसरे की जान पहचान थी क्योंकि सलमान न्यू जूही फ्रॉम अ मॉडलिंग डेज एंड नाइन्टी के साल में जब ये फिल्म बन रही थी तब तक जूही एक टॉप की एक्ट्रेस बन चुकी थी इस वजह से ये फिल्म में जूही को स्पेशल अपियरेंस के लिए बुलाया गया तो शूटिंग के दौरान फिल्म के सेट्स पे ही सलमान एंड जूही में इवन दो जूही के सीन ज्यादा आमिर के साथ थे बट सलमान वॉज जस्ट मेजमराइज बाई जूहीज ब्यूटी सलमान को जूही बहुत पसंद आई थी एंड इस वजह से वो जूही से बात करने गए ही डिड एवरी थिंग टू इम्प्रेस ग्रेजुअली दे बिकेम फ्रेंड्स फिर एक फॉरेन टूर होने वाला था जिसमें कई एक्टर्स जाने वाले थे जैसे रवीना टंडन आमिर खान दिव्या भारती एंड इसी टूर का पार्ट सलमान एंड जूही भी थे टूर के वजह से सलमान एंड स्टार्टेड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, एंड सलमान वाज वेरी श्योर दैट जूही इज दैट गर्ल ड्यूरिंग दिस टूर इट हर बट दिस क्योंकि सलमान का रेपटेशन तभी थोड़ा ऐसा था कि जूही टू डेट हिम लाइक सलमान के बारे में रिलेशनशिप हिस्स टू कंट्रोल हिस्स गर्ल फ्रेंड उसके अलावा वो अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरे एक्टर्स के साथ काम करने भी नहीं देते ये सब बातें फैली हुई थी एंड जू अपने करियर को रिस्क पर नहीं डालना चाहती थी इस वजह से शी सेड नो टू सलमान एंड वॉन्ट इड टू बी जस्ट फ्रेंड्स

टू वर्क विधर एंड अंदाज अपना अपना के पहले से ही सलमान जूही को पसंद करते थे इस वजह से 93 थ्री के पहली एक फिल्म के लिए ही रिकमेंडेड जूही पर जब प्रोड्यूसर्स फिल्म लेके जूही के पास गया उन्होंने ये बोला कि सलमान के अपोजिट वो जूही को कास्ट करना चाहते हैं तब में जूही कि ऑफ सलमान आमिर को कास्ट कर लो एंड ये सिर्फ कई सुनी बातें नहीं है सलमान ने इसके बारे में उनके इंटरव्यूज में भी बात किया था एंड सलमान जब यंग थे तब काफी ब्लैंड थे जो भी सवाल पूछा जाता उसका बहुत ऑनेस्टली जवाब देते थे तो जूही चावला को उन्होंने प्रपोज किया था इसके बारे में Spoke. तो इवन दो लेटर ये सब बातें दोनों ने पीछे छोड़ दी बट कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया जस्ट एक फिल्म आए थे दोनों ने हमेशा एक दूसरे को अवॉइड किया उसी फेज के दौरान और एक पर्सन था जिसे जूही काफी पसंद थी एंड ही वॉज जय मेहता जो बिजनेसमैन थे पर जूही को वो बहुत पहले से जानते थे उसके पैजेंट के दिनों से जूही चावला जहाँ जाती है उसे सप्राइज करने के लिए यू ऑलवेज मेड अल स्पेशल एक बार जय ने तो ट्रक भर के रोजेस भेजे थे जूही के बोते के दिन जूही वॉज लाइक गायज क्रेजी बट ग्रेजुअली वेन जूही गॉट टू नो जो पर्सनलिटीड बाई हम ही वॉज वेरी ऑनस्ट वेन इट केम टू हिस्सिंग जूही शादी एक्चुअली नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अपने करियर के पीक पे थी एंड नाइन्टीज के एक्ट्रेसेस को ये ब्रूटल ट्रूथ पता था कि वंस यू गेट माई रेड योर करियर इज यू वॉन्ट गेट फिल्म बट एट द सेम दाइम जूही ऑल्सो लव जय मेहता। पर उसे करियर एंड जय के बीच में एक चीज चूज करके डिसीजन नहीं लेना था इस वजह से जूई एंड अपनी शादी के बारे में किसको बताएंगे नहीं जय मेहता ओके विद दिस बिकॉज डिड नॉट वॉन्ट कि जूही को शादी की वजह से उसका करियर छोड़ना पड़े इस वजह से 1995 के साल में, जुई एंड जॉय ने शादी कर ली शादी के वक्त जूही 28 एट की थी एंड जॉय जूई से 6 साल बड़े थे एंड ही वॉज थर्टी फोर ईयर्स होल्ड एज का बाद मैंने यहाँ इसलिए निकाला क्योंकि जूही चावला को आज तक कई लोग ट्रोल करते हुए आए हैं एंड एक्सट्रीमली मीन पीपल हैव सेड एंड अबाउट हर कि ओल्ड मैन से शादी कर ली तो दीज पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि 2022 में बैठ केवरी वन गेट्स दोनों में कुछ नहीं है, सिर्फ छह साल का एज डिफरेंस है एंड वेन जू हीस जस्ट बिकॉज नाउ आफ्टर ट्वेंटी सेवन एजिंग प्रोसेस के चलते जय सिक्सटी के लगते हैं बट जूई फिफ्टी फोर की लगती नहीं तो दैट डी यू विल ट्रोल हर और जय फॉर दैट मैटर गोइंग बैक टू नाइन नाइनटी फाइव में शादी तो हो गई जूई की बट ये बात छुपाई गई दैट मेड पीपल लाफ लाइक एनीथिंग इस वजह से कई कॉमेडी फिल्म में जूही को लिया जाता एंड नाइनटीन नाइनटी सेवन में इश्क करके एक फिल्म आई थी इसमें फिर से जूही एंड आमिर देखने मिले दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी को लोग बहुत पसंद करते पर ये दोस्ती जो थी ना दोनों में वो इश्क के सेट्स पे खत्म हो गई हुआ क्या कि शूटिंग के वक्त आमिर खान काफी मजाक मस्ती करते थे एंड ब्रेक के दौरान आमिर ये मस्ती जूही के साथ भी करने लगे ही ऑन पुलिंग हर लेग पर जूही को यह मजाक फनी नहीं लग रहा था और उससे हंसी नहीं आ रही थी इंस्टेड वो इरिटेट हो रही थी शी टोल्ड आमिर टू स्टॉप, बट वेन तो डिटी वहाँ से उठ के चली गई, बिकॉज वो अनकम्फर्टेबल फील रही थी वो इतने ज्यादा गुस्से में वहाँ से निकली कि उसने अपना सामान लिया और सेट से ही निकल गई। सबको लगा कि अगले दिन तक जूही ठीक हो जाएगी पर अगले दिन भी जूही सेट पे नहीं आई एंड शूट को कैंसिल करना पड़ा जिसके बाद सब डर गए की कहीं जुई फिल्म ही कैंसिल न कर दे इस वजह ऐसी सब आमिर को बोला की वो जाके माफी मांग ले तो आमिर डिट दैट वो उसके घर गए जूही से माफी मांगी एंड देन जू रिटर्न पर ये चीज ने ना आमिर को काफी होट किया इगो के चलते आमिर ने ये डिसाइड किया दैट ही विल नेवर टॉक टू जूही चावला जितना सीन शूट कर तक बात करना पड़ता उतना ही वो उससे बोलते थे आउटसाइड द शूटिंग वो कभी उससे इंट्रैक्ट नहीं करते तो ये जो बिहेवियर में चेंज था वो जूही को दिखाई दिया एंड वो समझ गई कि आमिर उसे अवॉइड कर रहा है

दोनों ने जब तक इशू रिजोल्व किया तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो फेज निकल चुका था जहाँ फिर से दोनों को एज लीड कोई फिल्म में काम करने का मौका मिलता और वो जमाने के एक्ट्रेसेस के कंपैरिजन में जूही एक ऐसी एक्ट्रेस होगी जो इतनी फेमस थी एंड लोग उसे इतना ज्यादा पसंद करते थे कि एज कभी काम के बीच में नहीं आया शी क्रॉस थर्टी थर्टी थ्री उसने टच कर लिया था स्टिल शी एज एन ए लिस्ट एक्ट्रेस एंड ऑन गेटिंग फिल्म दूसरी एक्ट्रेस जैसे करिश्मा डबू जो जूही से यंग थी स्टिल दे इन द इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ दिस इशू बिकॉज जैसे ही वो अपने लेट ट्वेंटीज में पहुंच गई प्रोड्यूसर्स स्टार्टेड रिप्लेसिंग एंड कास्टेड यंग एक्ट्रेसेस पर जूही के साथ ऐसे प्रोड्यूसर्स नहीं कर पाए क्योंकि उसका फेम इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोग उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे बट देन टू थाउजेंड का साल आते थे जूही इवन तो अपने करियर के पीक पे थी पर शी है उसकी शादी हो चुकी है बिकॉज शी वॉज प्रेगनेंट उसका बेबी बम्प नजर आने लगा था एंड इंडस्ट्री गॉट टू नो दैट शी इज एक्सपेक्टिंग द होल बॉलीवुड वॉज शॉक वेन गॉट टू नो हर मैरिज। सलमान के फैंस ने काफी ट्रोल भी किया जू कोर्ड की टू थाउजेंड वन के साल में जूही को एक लड़की हुई जो भी फिल्म उसने टू थाउजेंड में साइन किया था वो सब उसनेट कर दिया बाइ टू थाउजेंड वन टू थाउजेंड टू के साल में शिटू कबरे जूह की एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई वो साल में बट ज्यादा लंबा ब्रेक जूही ने नहीं लिया शी केम बैक विद इन अयर टू थाउजेंड थ्री के बाद अगेन शी स्टार्टेड वर्किंग पर ये दूसरी इनिंग्स की शुरुआत थी क्योंकि जूही ही 36 थर्टी सिक्स बाई दिसम एंड पहले जैसे फिल्म में उसे नहीं मिल रही थी

स्पेशल अपियरेंस हो या साइड रोल इट डिडेंट केप्ट ऑन वर्किंग उसने अपना करियर 19 ईयर्स की एज में 1986 में स्टार्ट किया था एंड 52 टू ईयर्स के एज तक शी वॉज रेलवेंट इन दिस इंडस्ट्री दैट इज टू तक बहुत ही ज्यादा कम एक्ट्रेसेस है बॉलीवुड में जो आफ्टर 50 भी इस इंडस्ट्री में बनी रही हो एक्टर्स तो कई मिल जाएंगे जो इवन आफ्टर क्रॉसिंग 50 कीप ऑन गेटिंग फिल्म्स। बट अभी तक जितने भी मिसिंग सेलिब्रिटीज के एपिसोड रहे हैं उसमें यू माइट हैव सीन कि एक्ट्रेसेस ने पांच या छह साल जितना बड़ा गैप लिया है बिकॉज उन्हें फिल्म्स नहीं मिल रहे थे बट जूही के केस में ऑल दिस नेवर हैपेंड शी है लॉन्ग टाइम एंड शायद टू थाउजेंड नाइनटीन के बाद भी ये दो साल में जूही की और भी कई फिल्में आती बट अनफोर्चुनेटली वी ऑल नो वट हैपेंड एंड कैसे दुनिया थम सी गई पर हाँ बॉटम लाइन हियर इज कि जूही चावला इज ट्रूली एन एवर एक्ट्रेस Many people have questioned her love and the reason why she married Jay Mehta. Like if I put it out bluntly, तो gold digger ये word उसके लिए use किया गया है. But मुझे समझ नहीं आता कि why are people questioning her intentions of getting married? पहले तो 95 के time पे वो top की heroine थी. People were crazy about her. And Jay से शादी करने के पीछे कुछ और intentions होते हैं तो वो उसी साल reveal कर देती. Instead she wanted to keep that thing private. And she has been working continuously even after marriage, which shows that she is a hardworking woman. It is not a joke to work for thirty-three long years. It is not okay to sideline someone's hard work just because her husband is rich. Don't take away things from people who deserve that. And who are we to question her credibility? एनीवेज अभी जूही अपने हस्बैंड एंड दो बच्चों के साथ मुंबई में रहती है सो या दाद सेन ये थी कहानी जूही चावला की डू लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दो पीपल जिन्होंने जूही के मैरिज के ऊपर सवाल उठाया है एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक यू